हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी वन. आई नो मैं बहुत अरसे बाद वापस अपना थोबड़ा दिखा रही हूँ आप सब लोगों को, बिकॉज आई गॉट सो लेजी पाकिस्तान आके. मुझे समझ नहीं आती जो लोग डेली व्लॉगर्स होते हैं वो इतना कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं. खैर, आज आई एम बैक अगेन. आप सब बताओ, हाउ आर यू गाइस? द गाइस, पाकिस्तान में टाइम कैसा निकल रहा है सबका? और आज का व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज हम लोगों का ईद का जानवर आ रहा है. और बड़ी ईद की तैयारियाँ दे आर ऑलमोस्ट शुरू. और आई थिंक जो छोटी ईद होती है वो लड़कियों की होती है, लेकिन जो बड़ी ईद होती है दैट्स ऑलवेज फॉर बॉयज़, बिकॉज वो मंडी वगैरह जाते हैं और ईद की कुर्बानी वगैरह के लिए जानवर वगैरह देखते हैं. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कुर्बानी का जानवर, वो अभी बस आएगा एंड देन आई कंटिन्यू माई ब्लॉग. एंड आई शो यू गाइज़ वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग, दैट इज़ के ये देखें, लुक एट दीज ग्रेप्स. ये इतने खूबसूरत तरीके से बने हैं ना, वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. रुको मैं कैमरा अपना फिक्स कर लूँ. लुक एट देम गाइस, कितने प्यारे लग रहे हैं ये. दीज आर ऑल होम ग्रोन, ये बहुत प्यारे हैं. जस्ट लुक एट दैट. अच्छा खैर, अभी बस हम लोगों का जैसे ही आता है जानवर कुर्बानी का, तो आई शो यू गाइस. और एक तो ये है मेरे ऊपर लगे हुए हैं ये ग्रेप्स, और इसके पहले हम लोगों ने लीची उतारी थी, दैट्स इन माय लॉन, उसके दरख्त. और द बर्ड्स आर चिरपिंग, बहुत पीसफुल आवाज़ लगती है चिरपिंग ऑफ बर्ड्स की. अच्छा खैर, अभी हम चलते हैं बैक यार्ड में जहाँ पर हम लोगों का जानवर आना है, और जाके तैयारियाँ वगैरह चेक करते हैं. A few moments later. And I'm just going to the backyard. अभी चलते हैं पीछे और देखते हैं. My house is just covered with the trees and stuff. Look at the fruits. ये पता नहीं क्या है. I think this is sweet lime. जहाँ तक मुझे लगता है. खैर, मैं आई हूँ अपना प्यारा सा जानवर देखने. I'm here to see my वेड़ा काउ होती है क्या? गुस्से में लग रहा है मुझे तो ये, लेकिन है, देखते हैं क्या सीन है इसका. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे व्लॉग में आ रहे हो. ओए सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, माजरत ख्वाह है हम. कैसे हो? बड़े गुस्से में लग रहा है मुझे, इसको ऐसे रहने देते हैं. आई विल जस्ट ऐड द क्लिप इसकी. और अभी बस हम लोग, मैं अपने बैकयार्ड में हूँ. और ऐसे क्यों देख रहा भाई, मैंने तेरे पैसे देने हैं पानी. अभी इसका हम लोग खाना शाना लेके आएंगे. क्या डालते हैं ना, वो घास फूस ही खाते हैं ये लोग. इनको अभी बस खाना शाना लेके आएंगे. और आज मैं उसके साथ मैचिंग किया मैंने, वो मेरे व्लॉग में आना चाहता है. से हाय. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. हम लोगों का वेड़ा आ चुका है माशाल्लाह, और ये बड़ा गुस्से में लग रहा है मुझे तो. अभी इसके पास जाने वाला भी तो कोई सीन नहीं है. इजी, आप ठीक हो? उसको हमने एक दरख्त के साथ बांध दिया है और बड़े गुस्से में. आई थिंक उसकी रस्सी फंस रही है ना. ओए पीछे नहीं खड़े होते, वो टांग मार देता है. वो तो ये पौधा तोड़ देगा वो. इसका नाम हम क्या रखें? और मैं अंदर से एक ये बाल्टी, नहीं बकेट, पता नहीं, वट एवर, मैं ये ले आई हूँ. इसमें हम लोग इसको खाना छाना डालेंगे. इसका खाना वो पड़ा है वहाँ पे. और इतनी प्यारी हवा चल रही है, अचानक बड़ी प्यारी हवा चल रही है. और मौसम पहले से बहुत बेहतर है, इतनी गर्मी अब नहीं है जितनी पहले थी. और मैं बैठी हुई हूँ ज़मीन पे और इसको हम खाना डालते हैं. और ये अभी नया आया है तो ये पानी भी नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं कर रहा. क्या है रोज़ा आपका? सॉरी, ऐसे घूरो नहीं. ओके, तो हम लोग बस इसका खाना, मेरे पास भाई मेरे पास क्यों आ रहा है, हम इसका खाना वाना डालते हैं. वो देखो, वो खाने के लिए आया शायद, खाना भी खा लिया. मुझे खाना वाना नहीं डाल, पीछे नहीं बैठे के जाते, वो टांग मार देता है. वो देखो पौधा ख़राब कर रहा है, पौधा तोड़ रहा है वो. नो, डोंट डू इट. मैं बाल्टी पीछे कर देती हूँ, इससे पहले वो तोड़ दे. और मुझे पानी दे दो यार प्लीज़, बड़ी गर्मी है. और ना, एंड मीनवाइल जब तक वो आ रहा है बिशारत खाना शाने के इंतज़ाम करके, आई विल शो यू जिस दरख्त से हमने इसको बांधा हुआ है, दैट इज़ अ फ्रूट ट्री. इसका नाम है चीकू. चीकू को आई थिंक चीकू ही इंग्लिश है, चीकू को क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत यम्मी होता है. दिस इज़ सो टेस्टी, इट्स रियली स्वीट एंड यम्मी.
So this is how it is. एंड द फन पार्ट इज़ कि आज मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मैंने एक रेसिपी देखी है बिरयानी बनाने की, तो मैं बिरयानी बनाऊँगी, मैं व्लॉग कर रही हूँ, मैं बिरयानी बनाऊँगी. और मैं उठी, अब जा भाई. अच्छा तो मैं उठी ही 4 बजे, तो खाना तो टेक्निकली इस, अच्छा अब मेरे घर में खाना नहीं बना बिकॉज मैंने बिरयानी बनानी थी टेक्निकली, तो मैंने तो बनाई नहीं क्योंकि मैं उठी 4-5 बजे, तो अब कोई और बनाएगा, मैं क्या करूँ. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग. ओ ओ ओ नहीं, ओ ओ व्हाई आर यू डूइंग दिस, इसको छोड़, ओए इसके पीछे नहीं आना, अभी मुझे मारेगा. हट जा भाई, हट जा, और इसका खाना खाना आ गया है. ओए ये तो मैंने अपने ऊपर ही फेंक दिया सारा, वही था मैंने. इसका खाना शाना आ गया, इसको ऐसे उल्ट, इसको उल्टा सो ना, बना किसके लिए है ये, हम बेड़े के लिए बना रहे हैं. बेड़ा किधर है तुम्हारा खाना, ये तुम खाओ. बेड़ा किधर है, बेड़ा देखो मेरी ऑडियंस को तंग ना करो. अब हम डालेंगे ये खाना बैठे को, लेट्स गो. कैन यू ईट, पानी मिक्स नहीं किया इसमें. वो खा रहा है, छोड़ दो छोड़ दो. फाइनली ही इज ईटिंग, क्योंकि आज वो नया आया था तो वो खाना वगैरह नहीं खा रहा था, लेकिन अब वो खा रहा है. हाथ लगा लो, लगा लो. नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहता, खा रही है तो सॉरी खा रहा है. ओके ओके सो गाइस दिस वाज इट फॉर माय टुडेज व्लॉग. आई होप आपको मेरी अजीबोगरीब व्लॉग्स पसंद आते हैं. अगर पसंद आए तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगर मैं कंसिस्टेंट रही तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं. बाय बाय.